सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली द बेटर बैट्समैन? आई से विराट विराट पर करूंगा विराट कोहली. विराट कोहली विराट कोहली को करूँ तो विराट बेस्ट. सचिन तेंदुलकर अपने रनों के लिए शतक के लिए खेलता है लेकिन विराट कोहली देश के लिए खेलता है और जीतने के लिए खेलता है कि जीतना है. बेटर है विराट इज बेस्ट. नमस्कार, जय हिंद. मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र. वैसे तो हमारी आईपीएल टीम प्रीव्यू सीरीज चल रही है लेकिन दो मिनट के लिए इस सीरीज को गोली मार दो. कुछ बहुत अत्यंत आवश्यक बताना है आपको, बल्कि मैं तो कहता हूं वीडियो के बाद अगर आप लोग सहमति बना लो तो जंतर मंतर पर चलकर धरना भी दिया जा सकता है. क्योंकि 1 2 3 4 नहीं सहेंगे ये वाला अत्याचार, 5 6 7 8 ये बहुत हुआ, खड़ी कर देंगे सबकी खाट. लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये गिनती गिनकर मैं किस खबर के बारे में बता रहा हूं, तो भैया आपको बता देता हूं, अचानक से मीडिया में इस तरीके की रिपोर्ट आई है कि विराट कोहली को 2024 T20 वर्ल्ड कप की टीम से ड्रॉप कर दिया जाएगा. रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि वेस्टइंडीज की धीमी विकेट विराट कोहली को रास नहीं आएगी और इस वजह से उनको साइड लाइन करके किसी यंगस्टर को मौका दिया जाएगा. फिलहाल इस खबर पर कोई कंफर्मेशन नहीं है लेकिन अलग अलग मीडिया आउटलेट ने इसको कवर किया है, इसलिए डर लग रहा है कि ये बात सच हो गई तो. वैसे एक सच बात आपको बता देता हूं, अगर आपको ट्रेडिंग को और एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल बनाना है तो इतनी बढ़िया ताबड़तोड़ ऐप के बारे में बताऊंगा कि मजा आ जाएगा. वीडियो पूरी देखना समझे. फिलहाल देखो पिछले 6 T20 वर्ल्ड कप में अगर आपको एक नाम चुनना हो सिर्फ इंडिया से नहीं दुनिया भर से तो आप विराट कोहली को ही चुनोगे. मैं तो हाजमोला की 10 डिब्बी खत्म कर चुका हूं लेकिन इस बात को नहीं पचा पा रहा हूं कि विराट कोहली के बिना T20 वर्ल्ड कप की टीम कैसे बनेगी. और मैं क्या, कई हिंदुस्तानियों को यह बात नहीं पची है. लोगों का यह बोलना है कि ऐसी कौन सी पिच है जो विराट कोहली को सूट नहीं करेगी. भैया जब ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर मैच हो रहा था जहां बल्लेबाजी करना मुश्किल होता है और हैरिस रऊफ जैसा गेंदबाज बेस्ट गेंदबाजी कर रहा था, वहां पर भी विराट कोहली ने भयंकर प्रेशर में शॉट ऑफ द सेंचुरी खेल दिया था. जो आदमी मेलबर्न के ग्राउंड में कर सकता है वो वेस्टइंडीज के ग्राउंड में नहीं करेगा जहां पर नए नए लड़के भी सक्सेसफुल हो जाते हैं. बाकी सब छोड़ो, विराट कोहली ने वेस्टइंडीज में 3 T20 इंटरनेशनल खेले जहां उन्होंने 141 के स्ट्राइक रेट से और 37 की एवरेज से 112 रन बनाए. सैंपल साइज छोटा है लेकिन यह बताने को काफी है कि यह वेस्टइंडीज की धीमी पिच वाली थ्योरी एकदम बकवास है. इसलिए लोगों को लग रहा है कि यह खबर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आई है जिसमें उतनी ही सच्चाई है जितना गुलाब जामुन में नमक होता है. लेकिन एक सच बात हम आपको बता देते हैं बिनोमो ऐप के बारे में. बिनोमो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी ट्रेडिंग को और एक्साइटिंग और प्रॉफिटेबल बनाता है. यहां आप ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं. यहां पर आपको चार्ट देखने होते हैं और एक ट्रेड अप या डाउन करना होता है और इसमें आपको ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट भी मिल सकता है. मैंने बिनोमो पे कुछ दिनों पहले रजिस्टर किया जो सिर्फ 15 ही सेकंड में हो जाता है. फिर मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 रुपए का किया और रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू की. अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है ये और आप बस मेरे साथ रिपीट करना. देखो मैंने अभी जस्ट अकाउंट लॉग इन किया और वाह क्या बात है, आप केवल 1 मिनट में अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हो और देखो विड्रॉ भी कर सकते हो आसानी से. बिनोमो पे ट्रेडिंग करना मुझे इंस्पायर करता है, मुझे एनर्जी देता है और मुझे फोन पे कभी भी पैसे कमाने का मौका भी देता है. डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो. मेरा कूपन कोड जरूर लगाना और हाँ इसको अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाना और जब चाहे ट्रेडिंग का मजा उठाना. फिलहाल वीडियो पे वापस आते हैं. ये खबर पे आते हैं कि विराट कोहली के फैंस एक्टिव हो गए हैं कि ये पूछने लगे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच होगा नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और हैरिस रऊफ अपने चरम पर होंगे तो उनके खिलाफ हमको कौन बचाए. क्योंकि कोहली के अलावा इन तीनों को टैकल कर लेने का दम और किसी में तो दिखता नहीं है. बल्कि पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान भी इस रिपोर्ट पर उन्होंने हैरानी जताई और कहा है कि दुनिया की ऐसी कौन सी टीम है जो कोहली के बिना बन सकती है. कोहली को टीम इंडिया के लिए खेलना ही चाहिए और हम भी इस ओपिनियन से इत्तेफाक रखते हैं. देखो बॉस मामला क्लियर है, मेरे हिसाब से ये रिपोर्ट फेक है लेकिन 1% मान लिया भी जाए कि ये रिपोर्ट सच है तो इससे बुरी खबर कोई और हो ही नहीं सकती. विराट कोहली बिना किसी शक के भारत के सबसे कामयाब बैटर हैं और एक बार उनके खिलाफ साजिश की भी जा चुकी है और इस वजह से भारत ने अपना सबसे महान टेस्ट कप्तान गंवा दिया था. अगर फिर से कोई पॉलिटिक्स हो रही है तो हम हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि अभी रोक दीजिए, चुनाव में आकर भाजपा या कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन कर लीजिए भैया, क्रिकेट में ये सब शोभा नहीं देता. क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि दुनिया की कोई पिच ऐसी है जो कि विराट को सूट नहीं करती तो ये आप एजेंडा ही चला रहे हो या फिर क्रिकेट के बारे में आपको घंटा कुछ नहीं मालूम. और क्रिकेट को तो छोड़ो, एक बार को साइड में रख दो, अब की बार का वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज के अलावा अमरीका को भी इसलिए दिया गया ताकि अमेरिका में भी क्रिकेट के खेल का प्रचार प्रसार हो सके, वहां लोग क्रिकेट देखने आए और समझें कि ये खेल क्या है. मुझे एक
बात बताओ, बिना विराट कोहली के वहां पर टिकट कैसे बेच लोगे भैया? जिस खिलाड़ी की वजह से क्रिकेट ओलंपिक में चला गया, उस खिलाड़ी को आप वर्ल्ड कप में नहीं ले गए तो हम समझ जाएंगे कि सी टाइप वाली खाली चार्जर नहीं होती, सी टाइप वाले लोग भी होते। आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है कमेंट करके बताना। तो ये क्या लग रहा है आपको कि ये फेक न्यूज है या ऐसा? यार ये अच्छी बातें हो रही थी, पहले भी सुनने में आया था कि विराट कोहली को जो है वो वर्ल्ड कप से मेरे ख्याल से आउट कर सकते हैं वो लोग, मगर इतना बड़ा प्लेयर है, इतना सिस्टम वाला प्लेयर है, वर्ल्ड कप में बड़े टूर्नामेंट्स में परफॉर्म करता है, तो ये भी बहुत मुश्किल होगा कि उसको जो है वो वर्ल्ड कप से आउट कर सके। मेरे ख्याल से तो मुझे ये लगता है जो लास्ट में जो छोड़ के आए थे ना, ये अपना पर्सनल इश्यूज की वजह से जो टूर छोड़ के आए थे, मुझे लगता है कि ये उसी का जो है ना खुनस निकालने की कोशिश हो रही है और उसको किया जा रहा है कि भाई अब आप वर्ल्ड कप से भी आउट हो। आई थिंक मैच के अंदर जो है क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अच्छा प्लेयर है, अगर चलो एक बार ऐसा हो गया तो उसको इतना ज्यादा वो हाइप नहीं देनी चाहिए इसको कि भाई ऐसा कि छोड़ के चले गए टीम को और ये हो गया। मगर अब आई थिंक T20 बड़ा मैच होता है तो उसमें हिस्सा होना चाहिए। आई थिंक इंडिया के अलावा पाकिस्तान के भी जो मैच देखने के शौकीन है वो सब देखना चाहते हैं, विराट कोहली के बड़े फैंस हैं, फिर एक मुकाबला इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, बिल्कुल बिल्कुल मजा आता है। बिल्कुल, तो आई थिंक ये थी आज की वीडियो, बस इसके बारे में अब क्या रिएक्शन दी। हम तो चाहते हैं कि विराट कोहली को जरूर जरूर T20 मिले ताकि हमें और रिएक्शन करने का मौका मिले और उनके एटीट्यूड के ऊपर भी रिएक्शन देने वाले। बिल्कुल, अगर देखना हो तो जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।